outside. This is our train, and I cannot just. My stroller is going everywhere. अब हम अपने लिए सीट्स ढूंढ रहे हैं. हम ट्रेन में आ गए हैं. So finally we got seated. Askinsa has slept. तो मैंने सोचा ये टाइम अच्छा जब मैं आप लोगों को ट्रेन का पूरा ओवरव्यू दिखाऊं and show you the details here. So I just wanted to show you the seat numbers here. ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने आइल का और विंडो का वो फ़र्क बता दिया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो. और ये बिल्कुल एरोप्लेन्स की तरह इन्होंने यहाँ पर भी ऐसे किया है. बट दिस द सीटिंग हमें जो मिली है विद द टेबल इज़ फॉर अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल. ये इन्होंने लिख के यहाँ पर लगाया हुआ भी है. एंड व्हेन आई वाज बुकिंग एज़ वी आर माशाल्लाह अ बिग ग्रुप तो इसलिए उन्होंने जो है वो हमें ये प्रेफर्ड सीटिंग दी है. और ये प्रेफर्ड सीटिंग के अलावा जितनी भी यहाँ पर सीट्स हैं दे आर मोस्टली लाइक अप एरोप्लेन. लेकिन हमें इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे एंड दिस हैज़ हेल्प्ड अस बिकम मोर कम्फर्टेबल. एंड वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो अबाउट दिस दी सीट्स कि ये रिक्लाइन हो जाती हैं. दे रिक्लाइन अ लिटिल बिट. आई शो यू दिस वन. आई थिंक इट्स ऑलरेडी रिक्लाइनिंग बट देर इज़ अ लैच हेयर विच यू मूव एंड दिस ट्रेन्स रिक्लाइन. सो अगर आपको ईजी कम्फर्टेबल होके पीछे होके आराम से बैठना है तो आप इनको रिक्लाइन कर लें. जस्ट वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू गिव यू अबाउट दिस ट्रेन इज दैट दिस ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड फ्रॉम 160 टू 200 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड एंड दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग अस वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली टू आर डेस्टिनेशन. सो दिस इज हाउ यू कीप द लगेज हेयर. हमने भी अपना बैग इधर ही रखा है और स्ट्रोलर भी हैंग की है. यहाँ से ये दो कोचेस को कनेक्ट करते हैं. आई विल पुट माय हैंड ऑन दिस वन और सी ये ओपन हो गया है एंड देन आई कैन गो टू द अदर कोच. ये देखिए आई ओपन दिस वन एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे आर कनेक्टेड. नाउ आई एम गोइंग बैक एंड आई विल शो यू अराउंड. जैसे हमारे पास जहाज़ में कंपार्टमेंट्स होते हैं ऊपर लाइट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लाइट्स हैं और कंपार्टमेंट्स हैं. सो वी हैव कंपार्टमेंट्स फॉर पुटिंग आवर स्टफ वेयर पीपल यूज एंड पुट देयर स्टफ. और हमने भी अपना सामान इसी तरह रखा है एंड किंज़ा इज़ स्टिल अस्लीप थैंक गॉड. क्विक व्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास हियर द बिजनेस क्लास. और आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि इट्स द सेम अरेंजमेंट्स बट दे आर बिगर सीट्स एंड बिगर टेबल्स. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि दिस इज़ द बिजनेस क्लास विच दे आर क्लीनिंग राइट नाउ एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम. बस बिजनेस क्लास है जैसे कि इट्स एक्सपेंसिव. ओनली फॉर अ मिनट आई वांट टू चेंज माय माइंड to me. I wanna raise your spirits. Now I'll show you the washroom so that jahan hamara bahut zyada jana hua hai bachcho ke sath har dafa mujhe I have to go to the washroom and see. So these are I really love the big windows here. I'd like to show you the washrooms. This is for the ladies only. So I'll show you inside. Ye latch hai, is latch ko kholenge. Go inside and see. So this is the washroom. So this was our journey for today. आज हमने आपको रेल ट्रिप दिखाया जो कि हमने वाया रेल के थ्रू किया है. एंड पीपल आर गेटिंग ऑफ नाउ एंड हम लोग मॉन्ट्रियल पहुँचे हैं. अब मॉन्ट्रियल से हम क्यूबेक सिटी जाएंगे. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम टोरंटो. फ्रॉम टोरंटो वी वेंट to Ottawa and from Ottawa we are here at the Montreal and from Montreal we'll be going to Quebec City. So some people are going outside, some people are coming in the train and now the train is full. And jab hum baithe the to there were very few people around us but now it's almost full and the people are trying to get off and because it's a beautiful city. So now we have started our journey from
Montreal to Quebec City. और अब 7 बज रहे हैं, so the sun is about to set. और and Quebec is a French speaking province. तो हम Quebec City जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी French मिलने वाली है हमें. And the best part about this bridge is that हम train भी यहाँ से गुजर रही है and the cars are also passing by. And it's a beautiful scenery. So I just wanted to show you the sunset because iske baad I don't know if there will be enough light to catch all the beauty in my camera. So take care. See you soon. Allah Hafiz.